जब आप इस तरह की बात करते प्राइम लाइन वहां पे है, तो कुछ लोग जो पाकिस्तान से सुन रहे हैं यहां सुन रहे हैं वो कहेंगे ये इंडिया की तारीफ कर रहा है। आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं? आज मुझे बता दें। आज मैं बता ही देता हूं आपको, आज से कुछ चंद साल पहले ना मैं इंडिया को अच्छा बोलता था। देखिए जो अच्छा कर रहा है हमारा हमसाया है, हम सबसे पहले उसे अच्छा कहेंगे। तो मेरे दोस्त जो है ना, मेरे दोस्त मुझे कहते थे तू पाकिस्तानी होकर ये क्या कर रहा है, और भाई वो तरक्की कर रहे हैं वो सब। आज वो दोस्त मेरे अपने मुंह से कहते हैं इंडिया बेस्ट। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं कि आने वाले चंद ही महीने सालों में पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो मजबूरन ये बात इंडिया के साथ बेहतर करने, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है, आपका चैलेंज बड़ा कामयाब होगा ये भी मैं आपको बताऊं। क्यों? इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा, उन्हें कोई जरूरत नहीं आपसे दोस्ती करने की। आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है, उन्हें क्या फायदा? आप दोस्ती करोगे आपको क्या फायदा मिलेगा? आपके खाने पीने की चीजें सस्ती मिलने लग जाएंगी। अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, आप बिलीव कीजिए कि दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान का जोड़ नहीं मिलेगा आपको कहीं, पूरी दुनिया में, हो सकता है सुपर पावर एशिया में ये बन। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में मोदी सरकार की बहुत तारीफ हो रही है और ये शख्स जो है वो मोदी के बहुत बड़े फैन है। हमारे भारत के भी जो मोमिन है वो मोदी के फैन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मोमिन है जो मोदी से नफरत करते हैं। उन सब मोमिनों को इस पाकिस्तानी नागरिक की बात जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि मैं इसको रिलीजन के चश्मे से बिल्कुल भी नहीं देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो भारत की तारीफ करते हैं और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी उसके बहुत बड़े फैन हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं। वीडियो मैं चलाता हूं होम स्क्रीन पर और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप जरूर सुनिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर भारतीयों को, हर इंडियन को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाने जा रहा हूं। क्लिप्स की वीडियो जिस बातें आजकल इंडिया के मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए एक मैसेज दिया था और वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, उनसे बात करेंगे। वैसे तो काफी टाइम पहले मैं इनसे एक वीडियो भी कर चुका हूं, बात कर चुका हूं, लेकिन आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में वीडियो वायरल है, बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया और वहां पर लोगों ने बहुत पसंद किया। पूछेंगे कि आखिर क्या रीजन थी कि आपने इतना प्यार दिखाया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए, और आगे जो उनकी सोच है, जो ख्यालात हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम ये तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपका नाम क्या है। और आजकल आप बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि जिसमें आप कहते हैं हमें ना तो प्राइम मिनिस्टर सुभाष जैसा चाहिए, ना ही इमरान खान जैसा कोई, हमें प्राइम मिनिस्टर जैसा। मुझे बताएं क्या रीजन है, पाकिस्तानी आप और आप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चाहिए या उस जैसा चाहिए? जी सर, बड़ा सवाल किया है। पहले मैं आपसे बात, यार उसका बड़ा मजा आया था, बड़ा उसका भी बड़ा मजा है, दो शेट। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए हम भी पाकिस्तानी है, आप भी पाकिस्तानी, यार इस मुल्क में पैदा हुए, कहीं जान हाजिर है, कुछ हाजिर, लेकिन मकसद ये कि एक इंसान आपको नजर आ रहा है कि यार इंसान ने क्या किया, तो हम उसे कैसे बुरा कह दें? आप समझे, अब मैं आपको एग्जांपल कि हमसे इस मुल्क में हमने संभाल बचपन से ये सोचते आ रहे हैं बेहतर हो जाएगा बेहतर हो। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए अपनी कौम, सब लोग जो स्टेबलेंट है, जो भी है रहे हैं, यार मैं पाकिस्तान को चला रहे हैं, कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि हम लोग से क्या गलत, हम लोगों ने आपके साथ क्या गलत किया? देखिए आम जो आम आवाम है, उसने आपको टैक्स, एक चिंगम बबल हम खरीदते हैं, कोई भी चीज लगा लें आप, उस पर हम टैक्स पे करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, और दुनिया से ज्यादा पे करते हैं, जो दुनिया दे रही है ना 25% ऑलमोस्ट हम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जीएसटी जी, बहुत ज्यादा हम पे कर, उसका रिटर्न होता है पूरी, कहीं भी आप चले जाओ, अमेरिका, यूरोप, एशिया के भी ममालिक में चले जाओ, उसका रिटर्न मिलता है। रिटर्न की सूरत में आप बीमार हो गए तो आपका, यार ये सब झूठ है, झूठे ला, हम बीमार हुए थे, हमारे हम जब हॉस्पिटल में धक्के खाए तो हमें समझ आई कि सब फेक। ये बताएं कौन सी ऐसी पॉलिसी आपको इंडिया के की बेहतर या गवर्नमेंट की लगी जिसकी वजह से आपने डायरेक्ट ही बोल दिया कि भाई मैं वैसा प्राइम मिनिस्टर, आपने पहले ये बताया, आपने बोला है कि नहीं? जी सर बिल्कुल बोला है मैंने, इसकी कौन सी पॉलिसी बेहतर तस्दीक मैं इसकी करता हूँ। एक नरेंद्र मोदी साहब आई लव यू, और एक वो तैयब उर्दगान साहब, इनको भी आई लव यू। ये दो लोग मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे देखे कि जो अपने लोगों के लिए जीते, जो अपने लोगों के लिए, अपने लोग कौन, जो आपकी आवाम है उसके लिए। अब देखिए कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की किल्लत हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, पूरी दुनिया में सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया आपको पता है अमेरिका का मेंबर है, दोस्त है अमेरिका के साथ, उसकी जो है ना पार्टनरशिप है, आप ये समझ अब इसने ये देखे कि नरेंद्र मोदी क्या बहादुर आदमी होगा कि उसने अमेरिका को नहीं देखा सुपर पावर को, उसने अपने आम आवाम को, जनता को देखा, उसने पेट्रोल के लिए उनसे डील की कि जिनके साथ अमेरिका खुश नहीं था, लेकिन उसने कहा भाई मैं अपने लोगों के लिए करूंगा, मेरे लोगों को फायदा मिले। अभी आप देखिए इंडिया में पेट्रोल किस तरह है, पाकिस्तान में पेट्रोल किस तरह है, पाकिस्तान में 270 रुपए समथिंग इस तरह है, इंडिया में तकरीबन 150 रुपए है, 150 नहीं है पेट्रोल, उधर तकरीबन 90 से 110 के बीच है, उधर पेट्रोल की प्राइस कम। अब क्या सरप्राइज दे दिया आपने, अब मुझे और जला दिया आपने, अंदर से तकलीफ दे दी। अच्छा अब मोदी साहब एक तो पॉइंट ये हो गया कि अपने लोगों के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे, आलू टमाटर प्याज तकरीबन 20 रुपए किलो पे चल रहा है। अब ये देखें ये एक आम जरूरत की चीज है, आटा दाल चीनी, जिससे एक आम इंसान, ये बेसिक है यार, इसे बेसिक कहते हैं। और ये वो चीजें जब देखें, मैं नेट पे सर्च करूंगा कि इंडिया में आलू की क्या कीमत है और पाकिस्तान में आलू की क्या कीमत है, दिल दुखेगा कि भाई ये साथ इंडिया वहां, और हम एग्रीकल्चर कंट्री है, दिल दुख। फिर हमें देखूंगा पेट्रोल वहां कैसा है, यहां कैसा है। कुछ लोग ये कह देते हैं यार उनकी करेंसी बड़ी है ना इसलिए, नहीं कुछ लोग ये कहते हैं वहां पे करेंसी बड़ी है, मेहनत की है तो ये ना, वो दुनिया के पांचवें नंबर पे हैं वो लोग, पहले तो एक जैसे थे, कट्ठे आजाद हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान बेहतर था इनसे, लेकिन आस्ता 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 चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने हमारे टैक्सेस खाए, बड़े बड़े महल मिले, लाखों रुपए पेंशन मिलती है, प्लाट मिलते हैं जिन लोगों को, मौजें हुई उनके बच्चे इंग्लिश स्कूलों में बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे टाटों पे पढ़ रहे हैं, यकीन करो बिजली नहीं आ रही होती, पंखे नहीं चल रहे होते हमारे बच्चों के लिए। तो मकसद ये है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए, प्राउड पाकिस्तानी यार, हम हैं पाकिस्तान, लेकिन यकीन मानो अब दिल पता क्या कर,
करता है कि हम इंडिया में ही पैदा हो। क्यों, हमारे बच्चे तो सुकून में होते यार, हम इंडिया में पैदा होते, हमारे बच्चे जो इधर गाड़ी खरीदते हैं हम लोग 30 लाख रुपए की, उधर आज भी 12 लाख रुपए की गाड़ी है यार। तो मतलब कि उन्होंने अपने लोगों के लिए जो है अच्छे से अच्छा सोचा, अपने लोगों को फायदा दिया। अभी आप देखिए हमारा मुल्क चुनने में आ रहा है, ब्लैक में जा रहा है, क्यों जा रहा है यार? वजह, हमने पैसे नहीं दिए, हमने आपको टैक्स नहीं दिए, हमने आपका कोई पैसा मारा, आपने डबल डबल टैक्स हम लोगों से। ये बिजनेस कर रहे हैं, इसकी आप किराया नहीं देते, टैक्स नहीं देते क्या? ये जो एक चीज लेके आता हूं ना, तो गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं इस चीज के मैं, और ज्यादा टैक्स देता हूं लोगों से, ज्यादा पूरी दुनिया से ज्यादा हम लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट रिटर्न में क्या देती है? आप ये बताए ना कि गवर्नमेंट ने रिटर्न में हमें जी कोई अच्छा सिलसिला हमारा बनवा दिया, हमारी सड़कें अच्छी करवा दी, और भाई गली मोहल्लों में जाके देखो क्या हो रहा है, रोटी पूरी नहीं हो रही, सड़कें कहां से गवर्नमेंट बनाएगी? बिजनेस के लिए भी 10 बजे मार्केट बंद होती है, देखिए ये तो एक पॉलिसी है या रूल है, अगर ये गवर्नमेंट को बेहतर लगा 10 बजे मार्केट बंद। ये बताएं, जब आप इस तरह की बात करते प्राइना वहां टोल एंड रेक्शन है, कुछ लोग जो पाकिस्तान से सुन रहे हैं, यहां सुन रहे हैं, वो कहेंगे ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं? आज मुझे बता दें, आज मैं बता ही देता हूं आपको, आज से चंद साल पहले ना मैं इंडिया को अच्छा बोलता था। देखिए जो अच्छा कर रहा है हमारा हमसाया है, हम सबसे पहले उसे अच्छा कहेंगे। तो मेरे दोस्त जो है ना, मेरे दोस्त वो मुझे कहते थे तू पाकिस्तान होकर ये क्या कर रहा है, और भाई वो तरक्की कर रहे हैं वो सब। आज वो दोस्त मेरे अपने मुंह से कहते हैं कि इंडिया बेस्ट, क्यों? कि हमें वो चीजें नजर आ रही थी यार, हम लोग पाकिस्तानी मुबे वतन होके, तो ठीक है मुबे वतन है, पाकिस्तान के लिए हमारी जाने भी हाजिर है, लेकिन इन्हें शर्म दिलवाने के लिए ये बातें हो रही है सारी। क्या आप भी शर्म कर लो यार, और भाई मोदी से नफरत करते उसे सीखो, उसने 8 साल अपने लोगों के साथ क्या किया है, अपने लोगों के लिए जी रहा है, वो अपने लोगों का फायदा कर रहा है। मोदी का मैंने घर देखा, आप यकीन माने, शायद आपने देखा हो, वो एक तीसरी जिंदगी गुजार रहा है, और वैसे वो बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, क्लास है, जिसका नाम क्लास है। तो मोदी जी आई लव यू, ठीक है, एक काम आपने मोदी जी करना है, मुसलमानों पे थोड़ी सी नरमी कर लें, तो पूरी दुनिया में आप जैसा प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं और नोट किया कि 10 दफा तकरीबन इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुहब्बत वतन है, हम जान भी कुर्बान है, इसका मतलब दिल में हम पाकिस्तानी है, लेकिन तो वो इसलिए शायद किया जा रहा है कि बेहतरी आ रही है। शर्म दिलवाने के लिए जो हमारे हुक्मरान है, जिन्होंने देखिए एग्जांपल देता हूँ, बात को समझने वाली बात है, और इसे फेंकना नहीं है बात को, मैं सबको कह रहा हूँ। आप ये देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दूसरी दुनिया में जाते हैं, उनसे जाकर कहते हैं कि मैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन आप समझेंगे मांगने के लिए आ गए, लेकिन फिर भी हमारे लाद ऐसे मांगने के लिए मैं आ गए, मजबूरन आ गए। अरे भाई तुम्हारे लंदन में अरबों डॉलर के वो जो आपके वो क्या कहते हैं उसे फ्लैट है, अरबों डॉलर के फ्लैट है, उसे डॉलर ही आएगा ना, डॉलर चाहिए पाकिस्तान को, तो मुबे वतन बनो ना यार, उन्हें बेचो, पाकिस्तान के काम आए, लोग आपको याद करें, आपने कब्रों में चले जाने छोड़ के जाना है, तो वो लूटा हुआ है पाकिस्तान, वापस दो। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी आपको सोचाई है या थोड़ा बहुत हम लोगों को में अवेयरनेस आ रही है, यार हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, कि यार हम सिर्फ इंडिया नहीं, हम कहते हैं बांग्लादेश, हम कहते हैं चाइना से तुर्की से सीखो। आपकी बात काटता हूं, ऐसे हाथ रख, पता है मैं आप लोगों को लाइक क्यों करता? आप यकीन करें मुझे आपसे कुछ लेना नहीं, ना मुझे कुछ देते हो, मैं आपको क्यों लाइक करता हूं? एक तो सच्ची बात करते हो आप, बिल्कुल जेन्युइन बात करते हो, और वो बात करते हो कि जो जिससे हमारा मुल्क पीछे आया हुआ है उनसे शर्म आई, ये लोग आगे आए, तरक्की करें, सीखें। कहीं ये वजह तो नहीं है कि जब सच दिखाया जाता है थोड़ा कड़वा लगता है, तो लोग कहते हैं अब लेट्स ये भाई खड़े हैं, ये इंडिया 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 लगे हैं, और भाई ये इंडिया भाई जान, जो पढ़ा लिखा होगा ना वो तो इस बात को समझो, जाहिल है, इसका ब्रेन वॉश हुआ हुआ है, मुब्बे मुब्बे बताओ, वतन भी तो कुछ दे ना। अच्छा, वतन को भी तो हम सब कुछ दे जा रहे हैं। आपकी वीडियो उधर वायरल है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, शायद आपको पता नहीं है, आप ये उधर ट्रेंडिंग हो गया, लेकिन यही जब ये भाई जो भी इधर खड़े हैं वो देंगे उबैद भाई, आबिद भाई, आबिद भाई, वो कहेंगे आबिद की वीडियो इंडिया के चैनलों पे क्यों चल रही है, वो इसका मतलब इंडिया को तारीफ करता है इसलिए चलती है, मतलब वो ये एक लॉजिक ले आएंगे, यानी कि सुहेब चौधरी की वीडियो इंडिया के चैनल पे क्यों चल रही है। इंडिया की तारीफ इसलिए की जाती है कि वो तारीफ के लायक है, जब आप तारीफ के लायक थे तो हम ऐसे खड़े होते थे कि भाईजान हमारा पाकिस्तान, और अभी भी पाकिस्तान हमारा है यार, उसे सही करने के लिए तड़प रहे हैं हम लोग, कि वो उस मुल्क को हम सही करें, ये मुल्क हमारा दुनिया में फिर नाम बनाए, क्योंकि नेपर के साथ रिलेशन बेहतर करें, ये बात कर रहे हैं कि हम टैक्स देते हैं, उसके बदले हमारे मुल्क को हमें कुछ ना दो यार, हमारे मुल्क को तरक्की दे दो यार, उसको ऊपर ले जाओ थोड़ा सा, इसके लिए हम टैक्स दे रहे हैं, पे करते हैं मेहनत, इतनी कोशिश करते हैं कि हमारा मुल्क ऊपर जाए, और आप लोग खा पी के साइड पे बैठ जाते हो। आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक है ये थोड़ी बदलेगी आने वाले टाइम में, जो अभी कुछ लोगों को लग रहा है, ये तो मुझे गारंटी से पता है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं कि आने वाले चंद ही महीने सालों में पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो मजबूरन ये बात है कि हम इंडिया के साथ बेहतर करने हैं, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, ठीक हो गया? आपका चैलेंज बड़ा कामयाब होगा ये भी मैं आपको बताऊं, क्यों? इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की, आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है, उन्हें क्या फायदा है? आप दोस्ती करोगे आपको क्या फायदा मिलेगा, आप खाने पीने की चीजें सस्ती मिलने लग जाएंगी, आपकी हर चीज में कमी आएगी, आप घी का पैकेट देख लो यार, आम का वहाँ पे क्या रेट है, यहाँ पे क्या रेट है, यहाँ पे तकरीबन 600 रुपए का एक पैकेट है 1 किलो वाला, और इंडिया में मेरे ख्याल से 350-350 रुपए का हो, तो जब आप उनसे दोस्ती बनाओगे ना, आपके आलू टमाटर प्याज इच एंड एवरीथिंग जो है ना, हुआ था एक दौर में हमने देखा था इंडिया से ये चीजें आने लग गई हुई थी, दोस्ती अच्छी थी, और वो वाजपेयी साहब का दौर था। अच्छा, अभी जो रिक्वेस्ट किया है कि श्रीलंका की आपने हेल्प किया, उन्होंने एसिस्टेंट की फॉल्ट कह रहे हैं, कह रहे वाला है, ठीक है, क्या आपकी हेल्प पे उन्होंने ये नहीं कहा? देखें वो ये भी कह सकते थे नहीं भाई हमारे खिलाफ लगता है या हम उसके खिलाफ नफरत रखते हैं, हम नहीं हेल्प करेंगे, उन्होंने कहा कि भाई डिपेंड करता है पाकिस्तान पे कि उसने आगे कैसे चलना है, यानी कि ऑप्शन यही होता। देखिए मैं आपको बताता हूं उसने ये क्यों बात की आपके साथ, जब आपने अपने चैनल्स पे अपने बच्चों के ज़हन में ये चीज बिठाई हुई कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया से जंग करनी है, इसके अलावा कोई दिमाग ही नहीं यूज किया। अगर आपने अपने बच्चों को ये सिखाया होता ना इंडिया आपका दोस्त है, देखिए आज आप इंडिया से अपना हाथ बढ़ाएं तो सही दोस्ती का, आपको गले से लगाएंगे, क्योंकि आप एक ही माँ के बेटे हो, एक ही जगह से निकले हुए हो, आप एक ही मुल्क से निकले, 1947 के पहले सब एक ही जगह पे इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, पीते थे, कुछ भी नहीं था, ये सब ड्रामा था एक मुल्क को अलग करने के लिए। जब ये गवर्नमेंट अलग हुई, मुल्क अलग हुए, तो देख लो फिर तरक्की किसने की, इनका दुनिया
उन्होंने ये चाल की डिवाइड एंड रूल का उन्होंने किया कि ये तकसीम करो इन्हें लड़ाओ। आप इतने बड़े वो बनने की कोशिश करते हो, आप एक बांग्लादेश अपना बचा नहीं सके और बांग्लादेश आपसे बहुत ऊपर चला गया। पाकिस्तान केबर के साथ होंगे और वर्ल्ड पावर कौन सा है वो एशिया में आ जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए आप बिलीव कीजिए कि दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान का जोड़ नहीं मिलेगा आपको कहीं, पूरी दुनिया में हो सकता है सुपर पावर एशिया में ये बन, ये भी हो सकता है क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी में पढ़ाई में बहुत आगे जा चुका है। हम लोग टेक्नोलॉजी में थोड़े पढ़ाई में जो हक है यार बताना। अब इंडिया का एक छोटा सा बच्चा पकड़ ले उसकी टॉकिंग आपसे करवा ले, हालांकि आप पढ़े लिखे इंसान हो, मैं आपके लेवल का पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन इंग्लिश में आप उससे नहीं जी सको। मैं सही बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने सरकारी स्कूलों में भी ऐसी एजुकेशन है कि जो बच्चे उनके टैलेंटेड, अभी आप देख गूगल का सीईओ कौन है, किसी भी बड़ी पे देख लीजिए, यूट्यूब का भी रिसेंटली बन गया, हम यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, उसका सीईओ भी इंडियन, सीईओ भी इंडियन, तो कहीं भी अब वो उसका बर्तानिया का वजीर आजम इंडियन, आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन जी। अब बात ये सारी करनी, देखिए हमें भी कुछ करनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इंडिया से दुश्मनी खत्म करें, इंडिया से दोस्ती बनाओ, अभी अभी यकीन मानो इंडिया का शुक्र मनाओ। आप माइंड ना कीजिएगा पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, जिस हालात में आप हो आप जंग नहीं लड़ सकते और इंडिया का शुक्रिया अदा करो वो आप पे जंग नहीं कर, आप पे अटैक नहीं कर रहा, तो आप तो भूखे हुए हो, आपके पास ना बिजली है ना पानी है ना गैस ना डॉलर है ना कुछ है, कैसे जंग लड़ोगे उनके साथ। तो इंडिया हमें डराया तो हमेशा यही गया कि भाई हम अगर डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं या अटैक कर देगा, हम अगर अपना जो भी कर रहे हैं वो यानी हमें दिखाया गया वो इंडिया, पता नहीं ये बात आप चलाओगे कि नहीं चलाओगे क्योंकि इन चीजों की पाबंदी है हमारे पाकिस्तान में। आप यकीन करें देख लेंगे तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इंडिया में पैदा होना चाहिए, हम हैं पाकिस्तानी, इंडिया भी हमारे बहन भाई दोस्त हैं, भगवान का करते होंगे जिसका भी करते हैं, तो उसका शुक्रिया अदा करो कि आप इंडिया में पैदा हुए हो, आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आप लकी हो कि आपको ऐसा मिनिस्टर मिला प्राइम मिनिस्टर। और ना कि हम अपने बच्चों को जब रात को रोटी नहीं दे सकते तो हम इंडिया में पैदा होते यार सारा कुछ इजी होता, अवेल होता, गवर्नमेंट हमारी, हम कहते हैं इक्वालिटी बेस पे बराबरी सतह पर रिलेशन बेहतर, और यही बात बुरी लगती है, ये बहुत बुरी लगती, सच्ची बात जो है ना वो इंसान को बुरी लगती। देखिए एक झूठी अना जो होती है ना, झूठी अना, आप एक झूठी अना में जी रहे हो, अपना मुल्क ब्लैकलिस्ट पे ले आए हो, और यार बस छोड़ो ये बातें, दिल दुखता है ये बातें करते हुए, इतने हुए इंडिया बेस्ट, इंडिया जबरदस्त, और मोदी साहब आई लव यू, यकीन करें मेरी, मैं मोदी साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए यार, जो बंदा अपने लोगों के लिए जी रहा है, एक आखिरी मोदी साहब यकीन करें मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, आप क्लास हैं बड़े इंसान हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं आप इंडियन हैं, मैं आपसे कभी मिल नहीं सकता, लेकिन जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि मोदी साहब आपसे ऐसे हाथ मिला के एक और से पाकिस्तानी जफ्फी डाली जाए आपके साथ, क्योंकि आप बड़े लवली इंसान है यार। मैंने अभी शुरू में एक बात की थी कि आपका चैनल सच बोलता है और आपको कोई लालच नहीं है हमसे, ना आपसे मैंने कुछ लेना है ना आपने मुझसे कुछ लेना है, तो आपका वैसे ही बड़ा जबरदस्त नाम है मैंने देखा है। नहीं अभी आप देखने वाले उनसे ये बात करें कि मैं ये कहता मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मैं भी ये वीडियो प्राइम मिनिस्टर मोदी तक जाए, मैं देखिए मेरी बात में, अगर तो आप मुबे वतन पाकिस्तानी है, अगर आप कहते हैं कि हम इंडिया से पाकिस्तानी और इंडियन को भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए हमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको बताई है कि हमें क्या मसले मसाइल चल रहे, तो आपको चाहिए इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मोदी साहब जरूर देखें, और ये इतनी शेयर हो कि मोदी साहब मुझे खुद कहें कि यार वो बच्चा जो है ना वो जफ्फी डालना चाह रहा था, मैं इसे जफ्फी डालूं, मैं भी आपको बुला लें, चाहे दुबई जाके मिल लें यार, हमें कोई जरूरत नहीं है कि वो इंडिया चले जाएं। तो दोस्तों ये शख्स बड़े फेमस हो रहे हैं और इन्होंने काफी बातें करी हैं, मोदी के बहुत बड़े फैन हैं, आपने सारी बातें सुनी। और दोस्तों जो लोग मोदी से नफरत करते हैं भारत में रहकर, उन लोगों के लिए तो ये वीडियो वाकई ही उनके बिल्कुल अगेंस्ट में है, क्योंकि पाकिस्तान में भारत की तारीफ हो रही है। और काफी दिनों से एक से वीडियो आ रहे हैं जहां पर इंडिया से हेल्प की गुहार लगाई जा रही है कि भारत को पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए, और सोहेब चौधरी जी जो है वो काफी बढ़िया वीडियो वहां पर बना रहे हैं, इनकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी है, इनका चैनल हमारे चैनल से बहुत बड़ा है, तो हम उनके वीडियो को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तब ठीक हो जाते हैं जब आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान में अंकुश लगे, पाकिस्तान की सरकारें, सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो आर्मी है वो कंट्रोल कर रही है आपकी हर चीज को, बिजनेसेस को आपकी आर्मी कंट्रोल कर रही है, आर्मी को सिर्फ जो आपकी डिफेंस है उसको कंट्रोल करने दो। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप आतंकवाद को खत्म कर दो अपने देश में से, आज वर्ल्ड के टॉप 140 आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान से क्यों है, अगर, और वो हम नहीं कह रहे हैं, वो डाटा इंटरनेशनल डाटा है जो ये कहता है पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए, आतंकवाद को खत्म कीजिए, और जो इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उस पे अंकुश लगाया आपने, तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते तो अपने आप ही सुधर जाएंगे। ये चीजें तभी पॉसिबल है दोस्तों, और धारा 370 खत्म होना हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वरदान है। आप यकीन मानो या ना मानो, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जब कश्मीर में हुआ, अब वहां पर भी डेवलपमेंट हो रही है। और मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान को भारत का एक स्टेट बन जाना चाहिए, और भारत के छत्र के नीचे उनको एक स्टेट की तरह एक्ट करना चाहिए, और भारत का जो एक प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान का भी जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव करे, और भारत और पाकिस्तान जो है वो दो देश ना होकर एक ही राष्ट्र बने। हम तो अखंड भारत हमेशा जो है वो सपना देखते हैं, और अखंड भारत का सपना जो है वो हर वो भारतीय, हर वो जो हिंद प्रांत में, जो सिंध प्रांत में रहता है, वो हर कोई बंदा देखता है। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करता हूं।
करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।